कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये महज एक कहावत नहीं रही, इसे आजमगढ़ के एक कॉरपोरेटर ने चरितार्थ कर दिखाया है। 4 महीने की कड़ी मेहनत और 3 लाख रुपए खर्च करके उसने हेलीकॉप्टर बनाया है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि हेलीकॉप्टर हवा में नहीं सड़क पर चलता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बढ़ई सलमान ने अपने सपनों को साकार करते हुए ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जो सड़क पर भी चलता है। सलमान ने 4 महीने तक कड़ी मेहनत के बाद टाटा नैनो कार को चॉपर में बदल दिया है। सलमान के हेलीकॉप्टर पूरे इलाके में चर्चा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। सलमान ने मीडिया को बताया है कि मैंने एक हेलीकॉप्टर बनाया है जो सड़क पर चलता है। उन्होंने बताया कि इलाके के लोगों ने अब ऐसे ही हेलीकॉप्टर बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे उनका उद्देश्य अपने गांव और जिले का नाम रोशन करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने जीवन में कभी भी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए एक तोहफा दिया है। उन्होंने सरकार और बड़ी कंपनियों से मांग की है कि वे हमारी मदद करें और हमारे सपनों को उड़ान दे। वहीं इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और बारी बारी से लोग इसकी सैर कर रहे हैं। बता दें कि एक एजेंसी की ओर से फोटो जारी करने के बाद सलमान का देसी हेलीकॉप्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आसपास के गांव वाले भी सलमान के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सलमान के पास आ रहे हैं और सलमान पेशे से बढ़ई का काम करते हैं। अरे पीछे ना जा। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।